वेलकम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें बीई इज इक्वल टू सीएफ है, ठीक है। बीई इज इक्वल टू क्या है? सीएफ है या एल्टीट्यूड है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एबी इज इक्वल टू एसी है, ये हमें क्या प्रूफ करना है, या आइसोस्केल ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। एबी इज इक्वल टू एसी आइसोस्केल, तो चलिए हम करते हैं। इसको कहा है कि आप आरएचएस रूल से कीजिए, ठीक है। आरएचएस रूल से करते हैं, यानी कि आर से मतलब राइट एंगल, एस का मतलब हाइपोटेनस, एस का मतलब साइड, यानी कि राइट एंगल एक इक्वल हो, हाइपोटेनस इक्वल हो और साइड इक्वल हो। तो चलिए आप लिख देते हैं इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी एफ सी लेते हैं, बी एफ सी एंड ट्रायंगल, ठीक है, बी एफ सी हो गया और बी ई सी लेते हैं, बी ई सी लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं कैसे, चलिए बी एफ सी में अगर जाते हैं, बी एफ सी में जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ सी में अगर चलते हैं तो सी एफ या एफ सी, सी एफ किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री एक राइट एंगल हो, तो देखो बी एफ सी में क्या है, ये 90 है ना, राइट एंगल है, तो इसको लिख देंगे एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चले जाओ, इसमें ये 90 डिग्री है, तो इसको लिख देंगे कि बी ई सी, बी ई सी, ठीक है, लिख दिया। ये हमारा हो गया आर राइट एंगल, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तो ठीक 90 के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो देखो BC तुम्हारा इस वाले भी ट्रायंगल में BEC में भी है और BFC में भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक साइड चाहिए, साइड कैसे आप निकालोगे, देखो उसने गिवन दिया है BE इज इक्वल टू, BE इज इक्वल टू CF, तो ये लिख देंगे BE इज इक्वल टू CF, ये क्या है हमारा साइड है। अब लिख देंगे डायरेक्ट कि RHS से ये क्या हो गया हमारे congruent हो गया, hence triangle BFC congruent हो जाएगा ट्रेंगल किसके, बी ई सी के, ठीक है। जब कांग्रुएंट हो गया, ठीक है, यानी कि ये 90 जाके इस वाले 90 पे बैठेगा, एंगल बी, ठीक है, किस वाले ट्रेंगल में, बी एफ सी में, पूरा कंप्लीट एंगल बी उठ के जाके इस कंप्लीट सी पे बैठेगा, यानी कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ठीक है। तो हमारा एक रूल कहता है ट्रेंगल का कि अगर हमारे एंगल इक्वल है तो ठीक इसके अपोजिट जो साइड होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी के ठीक अपोजिट साइड कौन है, एंगल बी के ठीक अपोजिट साइड बड़े वाले ट्रायंगल में चलो तो देखो एबीसी में एंगल बी के ठीक अपोजिट कौन है, एसी है, तो एसी इज इक्वल टू एंगल सी के ठीक अपोजिट वाला, एंगल सी के ठीक अपोजिट वाला एबी है, तो ये हो जाएगा एबी। तो देखो एबी इज इक्वल टू एसी प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो लिख देंगे Hence, triangle ABC, ABC is isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक है, ये हो गया isosceles triangle, यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ओके बाय।